आज हम सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन एंड उसका रिजल्ट भी हमको चेक करना है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. x अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 5 है. तो हम पहले क्या करेंगे, x x वाली जो भी वैल्यू है वो एक तरफ ले आएंगे, ठीक है. तो और बाकी नंबर जो है छोड़ देंगे. तो x अपॉन 2 प्लस में था, माइनस में जाएगा. x माइनस माइनस x अपॉन 3 इक्वल टू 5 का 5. अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे. क्या ले लेंगे, एलसीएम. तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे. तो 2 वन आएगा और 3 का 3, तो 3 वन 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 6, तो हमारा एलसीएम आ गया 6. अब 2 और 6 काम करेंगे डिवाइड. क्या करेंगे, डिवाइड. 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या आया, 3. 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, x से कर देंगे. ओके माइनस, तो 3 और 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 3 1 3 2 6, तो हमारा आंसर क्या है, 2 का x से मल्टीप्लाई, 2 x इक्वल टू 5, ठीक है. अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे. तो 3x माइनस 2x अपॉन 6 इक्वल टू 5. तो 3 में से 2 गया तो 1x, तो x का x, ठीक है. x इक्वल टू 5 × 6, मल्टीप्लाई में डिवाइड में था 6 तो वहाँ मल्टीप्लाई में चला गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई. x की वैल्यू क्या आ गई, 30. दोनों का मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 30. अब हम करेंगे चेक, ठीक है. तो x की जो 30 वैल्यू आई वो हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे. तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 30. तो 30 अपॉन 2 इक्वल टू 30 अपॉन 3 प्लस 5, ठीक है. तो इसको पहले हम काट लेंगे, 2 1 2 और 2 15 30 होता है वैसे, ठीक है. तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. इसको पहले लिख लेते हैं. तो 3 1 3 3 10 30, ठीक है. 2 1 2 2 15 1 और 30 डिवाइड करके देखते हैं. 2 1 2 और 2 5 10, तो आ गया ना 15. तो 15, ठीक है. तो इस अरे 15 इक्वल टू 10 प्लस 5 15, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू सेम है. ये हमारा चेक भी हो गया, सॉल्व भी हो गया. था ना इजी. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.